पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू ज्वाइन रेवो? आपने मुझे कहा था करने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं एक्चुअली, में आपको पता होगा, मैं किसी और कंपनी में एक्चुअली में जा रहा था और मेरा स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था। तो डू एंड डाई सिचुएशन थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अब आखिरी कंपनी, इसमें अगर अपने तरीके से काम करूंगा, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर देख ही जाएगी जो होगा। फिर आपको ये चीज़ पता चली, फिर हमने बात करी फोन पे, देन यू सेड कि आप आओ मिलो मुझसे। फिर बैठे, आई गेस वो 2-3 घंटे तक वो डिस्कशन 3 घंटे चला है, के ऊपर 3 घंटे के ऊपर वो डिस्कशन चला है। मैं इसलिए नहीं आना चाह रहा था आपकी कंपनी में, बिकॉज आपकी कंपनी आपने जस्ट स्टार्ट करी थी, मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि आप कोई फेलियर ले। मैंने कहा कुछ कर लेता हूँ पहले और फिर आपके पास आ जाऊंगा, जब मैं कुछ कर लूंगा वहां पर अपनी प्रीवियस कंपनी में, फिर आपके पास आ जाऊंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे हम जर्नी। बट आप माने नहीं, तो आपको पता नहीं कुछ दिखा होगा, फिर तो आप पीछे पड़े। तो मेरे को भी लगा था, मेरे को तो करना ही था आपके साथ काम, बट मुझे था कि पहला बंदा और वो भी ऐसा बंदा जिसने अभी तक कोई सेल नहीं करी हो, क्यों जाएगा आपके पास। तो इन्हें मुझे बोला था मैं सोचूंगा और एक रात अच्छे से हाँ, सोचूंगा, सुबह सो के उठूंगा फिर बताऊंगा। ऐसा है ना कि अब मेरा अकेले का नहीं था उसमें, कि आपके साथ मेरा ही सिर्फ नुकसान होगा। अगर नहीं चला फिर कहीं ना कहीं आपकी कंपनी भी थोड़ी ऐसी, क्योंकि पहला बंदा मैं आपकी कंपनी में आ रहा था, तो मैं चाह ही रहा था कि मतलब बढ़िया ही बंदा आना चाहिए। इनिशियली जो भी बंदा कोई लेता है अपनी कंपनी में किसी को, वो वेल एस्टेब्लिश्ड कोई होता है, उसने अपना काम कर रखा होता है। ये तो आप बता पाएंगे अच्छी तरह से, आपने मुझे हायर क्यों करा एक्चुअली।